वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक इंडियन ब्रांड है, जैसे कि आपने टाइटल से ऑलरेडी देख लिया होगा। सो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये डॉक्टर शेफ्स। नाउ मेरे पास उनके तीन प्रोडक्ट्स है, लेट मी शो यू वन बाय वन। फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है ये डॉक्टर शेफ्स का विटामिन सी सीरम। सो दिस इज़ हाव द आउटर बॉक्स लुक्स लाइक। एंड सेकेंड मेरे पास है ये डॉक्टर शेफ्स का सेंटेला एंड नायासिनामाइड सीरम, अगेन इसकी सेम पैकेजिंग ही है। और थर्ड यहाँ पे मेरे पास है ये डॉक्टर शेफ्स का ऑन द गो क्लेंजिंग स्प्रे। सो दिस इज हाव द स्प्रे लुक्स लाइक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दिस स्प्रे। सो अगर मैं ये स्प्रे की बात करूँ तो अगेन इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं है, पैराबिन सल्फेट्स मिनरल ऑयल वगैरह नहीं है, एंड उनके प्रोडक्ट्स में कोई भी फ्रेग्रेंस भी नहीं है। एंड डॉक्टर शेफ्स जो ब्रांड है वो क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन ब्रांड है। सो दिस इज़ अमेजिंग थिंग। एंड ये जो ब्रांड है ये एक इंडियन ब्रांड है, सो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नाउ अगर मैं ये ऑन द गो क्लेंजिंग स्प्रे की बात करूँ, सो दिस इज़ हाव दी स्प्रे लुक्स लाइक। ना ये बहुत ज़्यादा छोटू सा बॉटल है, इसमें आपको 50 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर मैं स्प्रे की बात करूँ तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, बट मैं ऑयली स्किन के लिए ये रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज ये आपकी स्किन को थोड़ा और ऑयली बना देगा। ना अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इन्होंने इसमें सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं। लेट मी टेल यू द इंग्रेडिएंट्स। सो इसमें है हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। कैमोमाइल है, इसमें एलेंटियन है जो कि एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड रोज़ एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी स्किन को कंडीशन करता है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है। एंड ये जो स्प्रे है ये आप एज अ टोनर अप्लाई कर सकते हो, आप मेकअप करने से पहले स्प्रे को अप्लाई कर सकते हो, एंड आपके फेस को काफ़ी अच्छा खासा यू नो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे सेटिंग स्प्रे की तरह यूज़ कीजिए बिकॉज उसकी जैसा अगर आप यूज़ करोगे तो यू नो ये वर्क नहीं करेगा। ना अगर मैं ये प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो मेरी स्किन है वो ड्राई स्किन है, सो मेरी स्किन को काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। एंड जो भी मेरे स्किन पे यू नो पैचेस दिखते हैं, ड्राई पैचेस दिखते हैं, वो पैचेस दिखना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। अगर आपकी ड्राई एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मैं ऑयली स्किन वालों को रेकमेंड नहीं करूँगी। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप भी है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है ये डॉक्टर शेफ्स का सेंटेला एंड नायासिनामाइड सीरम। सो दिस इज़ हाव द आउटर बॉक्स लुक्स लाइक। लेट मी शो यू द इनर पैकेजिंग एज वेल। सो ये एक ग्लास बॉटल में आता है, एज यू गाइस कैन सी ये एक डार्क ग्लास बॉटल है, एंड यहाँ पे आपको ये पंप दिया गया है। सो जो नायासिनामाइड है आपको हमेशा आपके स्किन केयर में इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज जो नायासिनामाइड होता है वो बहुत ज़्यादा कामिंग एंड सूदिंग इंग्रेडिएंट होता है। आपकी जो भी एक्ने स्कार्स एक्ने स्पॉट्स वगैरह होता है उसको ट्रीट करता है, आपके फेस पे जो भी छोटी छोटी यू नो बम्स हो गए रहेंगे उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है, एंड आपके अगर एक्ने होते हैं तो भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ इसमें है 10% ऑफ नायासिनामाइड, 1% जिंक PCA है, एंड इसमें है 0.1% सोडियम हाइलुरोनेट। नाउ ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, एंड इसमें आपको मिल जाता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसका प्राइस है 649 रुपीज़, अगेन डिसेंट प्राइस है इसका। नाउ ये 10% नायासिनामाइड है, अगर आपकी स्किन को यू नो अगर 10% नायासिनामाइड नहीं सूट कर रहा है तो आप 5% से भी शुरुआत कर सकते हो, 5% नायासिनामाइड वाले सीरम भी मिल जाएंगे आपको मार्केट में। बट जो मेरी स्किन है वो नायासिनामाइड को काफ़ी अच्छे से टॉलरेट करती है, सो मैं इसे यूज़ करती हूँ मेरे स्किन केयर रूटीन में। ये आपको आपके फेस वॉश अप्लाई करने के बाद अप्लाई करना है, फेस वॉश अप्लाई करने के बाद आप टोनर अप्लाई कीजिए, एंड आपको हमेशा डार्क स्किन पे अप्लाई करना होता है सीरम। उससे क्या होता है जो सीरम है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है एंड आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। नाउ नायासिनामाइड ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको यू नो लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है, एंड आपकी स्किन पे जो भी टेक्सचर वगैरह होगा उसको भी बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा। सो आप ट्राई कीजिए, आप नायासिनामाइड को आपके स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। नाउ अगर मैं इस सीरम के टेक्सचर की बात करूँ तो लेट मी शो यू द टेक्सचर। ये कुछ इस तरीके से यू नो मिल्की वाइट कलर में आता है, एंड लेट मी अप्लाई दिस ऑन माई हैंड। सो दिस इज़ हाव द टेक्सचर लुक्स लाइक, काफ़ी ज़्यादा रनी है। एंड अगर मैं इसे इस तरीके से यू नो मसाज करूँगी तो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, एंड यू
गाइस कैन सी द ग्लो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई लगती है एंड बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, ऑयली नहीं है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लगता है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस पे एंड इस प्रोडक्ट में कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं है, सो जिनकी भी सेंसिटिव स्किन है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यू नो इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है एंड बहुत ज़्यादा सूद एंड काम करता है आपके फेस को। सो ये तो हो गया नायासिनमाइड के बारे में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास है ये डॉक्टर शेट्स का आमला विटामिन सी सिरम। सो दिस इज़ हाव द आउटर बॉक्स लुक्स लाइक एंड लेट मी शो यू द इनर पैकेजिंग एज वेल। सो अगेन कुछ इस तरीके से दिखता है ये सिरम एंड अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो अगेन इसकी कंसिस्टेंसी सेम नायासिनमाइड जैसी है एंड यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, सेम रनी कंसिस्टेंसी है इसकी एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, लाइक अच्छे से मसाज कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है आपका फेस ये सिरम अप्लाई करने के बाद एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। अगेन ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी आई थिंक कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं ऐड किया हुआ है, कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह ऐड नहीं किया हुआ है एंड इसमें है 20% वाइटामिन सी, 1% वाइटामिन ई, 1% सोडियम हाइलुरोनेट एंड 0.5% फेरुलिक एसिड भी है। अगेन ये डर्मेटोलॉजी के टेस्टेड है, इसमें 20 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है आपको एंड वाइटामिन सी बेसिकली क्या करता है आपके फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन वगैरह होता है उसको फेड अवे करने में हेल्प करता है। आपको हमेशा वाइटामिन सी अप्लाई करना चाहिए, आपके स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। नाउ हम जब भी वाइटामिन सी अप्लाई करते हो तो आप हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, प्लीज़ आप सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है। और अगर मैं वाइटामिन सी की बात करूँ तो आप इसे AM एंड PM दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको AM में नहीं यूज़ करना होता है, बट ट्रस्ट मी गाइज आप इसे AM में भी यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। नाउ ये मिथ भी है कि आप नायासिनमाइड एंड वाइटामिन सी दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नो गाइज ये सिर्फ एक मिथ है, आप नायासिनमाइड एंड वाइटामिन सी दोनों भी साथ में अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले नायासिनमाइड सिरम अप्लाई कीजिए, आप वेट कीजिए 5 मिनट्स तक ताकि आपके फेस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन आप इस सिरम को अप्लाई कर सकते हो। आप ये दोनों भी सिरम आपके स्किन के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वाइटामिन सी सिरम एंड नायासिनमाइड सिरम ये दोनों भी मॉर्निंग में अप्लाई करती हूँ एंड जो मेरा PM रूटीन है वो ट्रेटिनोइन रूटीन होता है, लाइक ट्रेटिनॉल वगैरह मैं यूज़ करती हूँ नाइट टाइम में। सो अगर आपको मेरा स्किन केयर रूटीन जानना है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अगर आपकी स्किन वाइटामिन सी को टॉलरेट कर रही है तो प्लीज़ गो फॉर दिस सिरम, दिस इज़ अमेजिंग यू गाइस, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बना देता है एंड यू नो जब आप वाइटामिन सी सिरम एंड नायासिनमाइड को आपके स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करोगे तो आपको धीरे धीरे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर चेक कीजिए, मैं आपको 100% रेकमेंड करती हूँ। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई रियली होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब